प्रकृति की एक खूबसूरत संरचना है विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगी पक्षियाँ। ये अपने खूबसूरत रूप और आवाज से प्रकृति के रूप को और ज्यादा निखारते हैं। आज हम एक रेयर बर्ड स्पीसीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का एक स्पेशल बर्ड स्पीसीज है। नाम ब्लैक स्वान। ये पक्षी हंस प्रजाति की है। ब्लैक स्वान भारत में नहीं पाई जाती। ये पक्षी आमतौर से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के झीलों के पास पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा ये न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जापान और चाइना में भी पाई जाती है। ब्लैक स्वान माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज में से है, लेकिन इनका माइग्रेशन पैटर्न बहुत ज्यादा अनिश्चित है। बाकी माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह ये कोई निर्दिष्ट ऋतु में माइग्रेशन नहीं करते। इस हंस प्रजाति के पंख काले रंग का होता है और इनका चोंच ब्राइट रेड कलर का होता है। इनके चोंच के सामने के हिस्से में सफेद रंग का निशान होता है। ब्लैक स्वान की लंबाई करीब 110 से 140 सेमी और वजन 4 से 9 केजी तक होता है। सारे हंस प्रजातियों में इनका गर्दन सबसे ज्यादा लंबा होता है। इनका गर्दन एस शेप की तरह मोड़ा हुआ होता है, जो इनकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाता है। एक पूर्ण विकसित ब्लैक स्वान का पंख काले रंग का होता है। इनके पुरुषों को कॉब्स और मादाओं को पेंस कहा जाता है। बचपन से ही इनके चूजों का रंग काला नहीं होता। ये चूजे ग्रेश ब्राउन कलर के होते हैं और इनको सिग्निट्स कहा जाता है। ब्लैक स्वान मोनोगेमस होते हैं, अर्थात ये पक्षी अपनी पूरी जिंदगी एक ही साथी के साथ गुजारते हैं। दूसरे पक्षियों जैसा ये हर साल अपने साथी नहीं बदलते। साथी बदलने के मामले बहुत कम देखी गई है। नर और मादाएं एक साथ घास, छोटे लकड़ी और मॉस से अपना घोंसला बनाते हैं। ये झीलों के पार अपना घोंसला बनाते हैं। घोंसला थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है ताकि पानी अंदर घुस के अंडे खराब ना कर दे। नर और मादा दोनों मिलके घोंसले की देखभाल करती है। एक घोंसला साल दर साल इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये जोड़ा घोंसला छोड़ के चला जाए तो दूसरी ब्लैक स्वान जोड़ी आके उस घोंसले को अपनी जरूरत के हिसाब से सजा के इस्तेमाल करती है। मादाएं 4 से लेकर 8 तक अंडे देती है। इनके अंडे का रंग होता है ग्रीनिश व्हाइट। नर और मादा दोनों मिलके बारी बारी अंडा सेते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। कभी अचानक से कोई भी अंडा अगर लुढ़क के घोंसले से दूर चला जाए तो नर और मादा दोनों मिलके अपने गर्दन के मदद से उस अंडे को वापस ले आते हैं। अंडे से निकलने के बाद बच्चे 9 महीनों तक अपने माता पिता की निगरानी में रहते हैं। ये चूजे अपने माता पिता की पीठ की सवारी करते हैं। ब्लैक स्वान आमतौर पे हर्बीवोरस अर्थात शाकाहारी पक्षी है। ये पक्षी पानी के अंदर के छोटे छोटे घास, काई, बीज, पत्ते खाकर जिंदा रहते हैं। इस प्रजाति का माइग्रेशन पैटर्न बहुत ज्यादा अनिश्चित है। जब ये पक्षी एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं तो ये एक साथ आसमान में भी शेप बना के उड़ते हैं। दूर से इनको देख के लोग इनको मैगपाई गूस समझ के गलती कर देते हैं, लेकिन ब्लैक स्वान प्रजाति को अलग से पहचाना जा सकता है। इनकी लंबी गर्दन और उड़ने के वक्त धीरे धीरे पंख फड़फड़ाने के वजह से ब्लैक स्वान दूसरे जल पक्षियों जैसे होते हैं। ब्रीडिंग के बाद इनके भी उड़ने वाले सारे पंख झड़ जाते हैं, जिसके कारण प्रजनन के बाद ये कुछ महीनों तक उड़ने में सक्षम नहीं होते। इस वक्त ये शिकारियों से बचने के लिए तैर के झीलों के बीच में चले जाते हैं।
वर्तमान काल में इनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। IUCN ब्लैक स्वान को रेड लिस्ट में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में इनको संरक्षण किया जा रहा है। इन सब के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया के नेशनल पार्क में भी इनको बचाने का अभियान चलाया जा रहा है। भारत के कुछ ज़ू में इनको रखा गया है। मैं जब विशाखापत्तनम में घूमने गई थी तो वहाँ के ज़ू में मैंने पहली बार अपने आंखों से ब्लैक स्वान देखा था। एक बात सच्ची सच्ची बता रही हूँ, अपने आंखों से ब्लैक स्वान को देखना और इस वीडियो में ब्लैक स्वान को देखने में बहुत ज़्यादा फर्क है। वो नज़ारा इतना मोहनीय था कि मैं ये बता के आपके सामने मेरे फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। भले ही ऑस्ट्रेलिया के सरकार इस प्रजाति को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरत से पक्षी को बचाने के लिए हम सबको सचेत होना पड़ेगा, वरना आज नहीं तो कल ये पक्षी इस दुनिया से पूरी तरीके से विलुप्त हो जा सकती है। अगर आपको अब तक मेरा वीडियो देखना अच्छा लग रहा हो तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया? प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।